गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वंशा गति का आणविक सिद्धांत, इसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपके लगभग हर साल पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन है बच्चों की अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होता है, या जेनेटिक कोड किस प्रकार कार्य करता है, कोडॉन और एंटी कोडॉन में अंतर स्पष्ट करिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कब कब पूछा गया है। तो बच्चों, अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड्स वाला क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा गया है। तो बच्चों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में भी बनाया था कि डीएनए क्या है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होता है और डी ऑक्सी राइबोज सुगर होती है, और तीसरा क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोस सुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलके डीएनए का क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड किसे कहते हैं बच्चों? तो डीएनए के जो अणु होते हैं, डीएनए के अणुओं में क्या होता है, अभी हमने बताया नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। तो अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड क्या होता है बच्चों? अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं उनका वह अनुक्रम होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। तो अनुवांशिक कोट का क्या काम होता है, इसमें नाइट्रोजिनस क्षारकों का अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों, कोडॉन किसे कहते हैं। कोडॉन जो होता है, अभी हमने बताया डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश हो उसे कोडॉन कहते हैं। मतलब कोडॉन का काम क्या होता है, इसमें एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश निहित होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, एंटी कोडॉन किसे कहते हैं। कोडॉन में हम समझ गए, इसमें क्या होता है, एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। और बच्चों, एंटी कोडॉन किसे कहते हैं, तो टीआरएनए क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। टीआरएनए जो होता है, ये कुल आरएनए का हमने बताया था कितने प्रतिशत भाग होता है बच्चों, 15 से 18% भाग होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमने बताया था कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है तीनों आरएनए में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए में सबसे छोटा आरएनए टीआरएनए होता है। इसके जो अणु होते हैं वो घुलनशील होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे विलेय आरएनए भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है टीआरएनए का, टीआरएनए का जो काम होता है, ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम पर लाते हैं। तो इनका काम क्या होता है टीआरएनए का, ये विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को किस पे लाते हैं, राइबोसोम पर लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो हम कह सकते हैं ये एक तरीके से
प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एंटीकोडॉन क्या होता है। तो टीआरएनए में जो उपस्थित तीन क्षारक समूह होते हैं जो एमआरएनए में उपस्थित कोडॉन का पूरक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे एंटीकोडॉन कहते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों त्रिक कोड किसे कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल कोड किसे कहते हैं। तो बच्चों हम इसको पहले समझाते हैं कि ट्रिपल कोड का क्या मतलब होता है। तो बच्चों जो डीएनए होता है और आरएनए होता है इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं हम सभी जानते हैं, इसमें चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसपे क्या होता है 20 अमीनो अम्लों के विन्यास का कोड जो होता है वो इनके विन्यास पर निर्भर करता है। अगर हम ये मान लें बच्चों कि प्रत्येक कोड क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो, प्रत्येक कोड कितने एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो, तो इससे कुल कितने कोड बनेंगे, चार कोड बनेंगे जो चार एमिनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित करेंगे। और अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक कोड कितने दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, चूंकि अभी हमने बताया बच्चों प्रत्येक कोड अगर एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो तो इससे चार कोड बनेंगे और ये चार एमिनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित करेंगे। अगर प्रत्येक कोड दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो तो इससे कुल कितने कोड्स बनेंगे, इससे कुल जो 4:4 कितने 16 कोड बनेंगे। बच्चों अभी हमने बताया 20 एमिनो अम्ल है और प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए क्या चाहिए, एक कोड चाहिए ही चाहिए। तो ये जो कोड है 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब अगर हम ये मान लें कि जो कोड होता है वो कितने तीन न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो, तो अगर हम मान लें कि ये कोड तीन न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो तो 4:4:4 कितने हो जाएंगे, 64 कोड्स बनेंगे। ये 64 कोड क्या होते हैं 20 एमिनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, इसलिए गेमोंग ने क्या दिया था, तीन अक्षरीय कोड की संभावना की थी और इनका ये कोड सही भी है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं मानते हैं कि प्रत्येक कोड दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है तो इससे केवल 64 कोड बनते हैं जो 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगर हम ये मानते हैं कि प्रत्येक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है तो इससे कुल 64 कोड्स बनते हैं जो 20 एमिनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक होते हैं। तो चलिए अब हम बच्चों ये त्रिक कोड या ट्रिपल कोड किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। अभी हमने बताया गैमो ने क्या किया था, तीन अक्षरीय कोड की संभावना प्रकट की थी और इन्होंने यह बताया था डीएनए और आरएनए में क्या होता है कुल चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 20 एमिनो अम्लों के विन्यास का जो कोड होता है इनके ही कोड पर निर्धारित होता है। अगर ये मान लिया जाए बच्चों कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है तो इससे कुल चार कोड बनेंगे जो केवल चार एमिनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित करेंगे। अगर प्रत्येक कोड को दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ मान लिया जाए तो क्या होगा, 4:4 टोटल 16 कोड्स बनेंगे जो 20 एमिनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो तो 4:4:4 64 कोड्स बनेंगे, ये 20 एमिनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक हैं, इसलिए गैमो की तीन अक्षरीय कोड की परिकल्पना क्या होती है वो सही है। इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन है बच्चों बहुरूपता, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो बहुरूपता का मतलब क्या होता है बच्चों, जब किसी डीएनए में क्या हो, जब किसी डीएनए में एक से अधिक जगह, डीएनए में क्या हो, एक से अधिक जगह वेरिएशन हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम डीएनए
कहते हैं। बहुरूपता का मतलब क्या है? किसी डीएनए में बच्चों एक से अधिक जगह वेरिएशन हो तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। ये जो डीएनए की बहुरूपता होती है वो बच्चों, भाई बहन या जुड़वा बच्चों के डीएनए में क्या है, भिन्नता की अनुमति देता है कि जो भाई बहन होते हैं और जुड़वा बच्चे होते हैं उनके डीएनए में भिन्नता होती है, इसलिए हम उन्हें एक दूसरे से आसानी से अलग कर लेते हैं इस बहुरूपता के कारण ही। तो मतलब क्या होता है इसका? बच्चों, जीन की जनसंख्या में अनुवांशिक परिवर्तन जो होते हैं उनका उच्च आवृत्ति में होना ही बहुरूपता कहलाता है। मतलब जीन जनसंख्या में अनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होते हैं उनका उच्च आवृत्ति में होना क्या कहलाता है बच्चों? बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे जो उत्परिवर्तन होते हैं वो डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये उत्परिवर्तन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों? तो जो डीएनए का अनुक्रम है उसमें परिवर्तन हो रहा है, इस कारण ये बहुरूपता उत्पन्न होती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होते हैं? वंशागति होकर एकत्र होते हैं और बहुरूपता का कारण बनते हैं। तो बच्चों, जो डीएनए के अनुक्रमों में उत्परिवर्तन होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर एकत्र होते हैं, और जब ये उत्परिवर्तन उच्च आवृत्ति में हो जाते हैं तो यही सब क्या है? बहुरूपता का कारण बनते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।